नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में हो रही कार्रवाई और खुलासे पर है। करप्शन के कैश कांड में आज बड़ी चर्चा यही है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही है और उसमें अलमारी में ठूंसे हुए नोटों के बंडल ही बंडल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर अब तक यही है कि जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की जा चुकी है और अभी ये कार्रवाई जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। ऐसी अलमारियां झारखंड के रांची और ओडिशा के बालागीर इलाके में कारोबारी और कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हुई कार्रवाई में मिले हैं और कहा जा रहा है कि संभवतः आजाद हिंदुस्तान में एक बार की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी की पहली बरामदगी, पहली बार ऐसा हो रहा है। ये इतनी बड़ी खेप है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इसे गिनने वाली मशीन फूंक गई थी, जिसके बाद हैदराबाद और भुवनेश्वर से नोट गिनने वाली बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। दरअसल ये कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी, जिसमें आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी समूह के ठिकानों पर छापे शुरू किए थे, जिसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड और क्वालिटी बॉटल्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बीवरेज लिमिटेड नाम की कंपनियां शामिल हैं। इसमें एक कंपनी बलदेव साहू इंफ्रा फ्लाई एश की ईंटों का काम करती है, बाकी कंपनियां शराब कारोबार से जुड़ी हुई हैं। इनकी टैक्स चोरी के शक में जांच एजेंसी ने झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा ओडिशा के बालागीर, संबलपुर, रायडीह इलाकों में कार्रवाई शुरू की थी। ये कार्रवाई अब भी जारी है और इसमें बड़ी मात्रा में मिल रही नकदी की तस्वीरें जब मीडिया में सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के लोग नोटों के ढेर देखें और इनके नेताओं की ईमानदारी वाले भाषणों को सुने। पीएम ने लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के सांसद से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर हुई छापेमारी में जब इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली तो बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई बताया है। सुन, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है और दो तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाढ़ी कमाई, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। बीजेपी की ओर से जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर वार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार ने पिछले 9 साल से मुहिम छेड़ रखी है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार शिकायत की जाती है कि ये कार्रवाइयां चुनिंदा तौर पर विपक्षी दलों के ऊपर ही की जाती हैं, लेकिन देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियों की कार्रवाई कभी थमी नहीं और आज बीजेपी फिर पीएम मोदी के उस बयान की याद दिला रही है जो उन्होंने करप्शन पर एक्शन के बारे में कही थी। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटाले बात पर
कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की इस गारंटी की चर्चा हो रही है, तो करप्शन के कैश कांड की एक और खबर आज सुर्खियों में है, और वो खबर है तृणमूल सांसद महुआ मोहत्रा को कैश फॉर क्वेरी कांड में संसद की सदस्यता से उनकी छुट्टी कर दी गई। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित करके महुआ मोहत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी अलोकतांत्रिक तरीके से बहुमत का दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों की सदस्यता छीन रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जनता एक बार फिर चुनकर महुआ को भेजेगी। दूसरी ओर महुआ मोहत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से उनकी सदस्यता नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन आज की तारीख का सच यही है कि महुआ मोहत्रा की सदस्यता जा चुकी है, और भ्रष्टाचार के इन खबरों से जुड़े विषय पर आज हम करप्शन के कैश कांड में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एक बार फिर विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बीजेपी से पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचारियों से पाई पाई चुकाने वाली मोदी की गारंटी विपक्षियों की सियासत पर भारी पड़ने वाली है, और क्या कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोहत्रा की संसद सदस्यता छीना जाना सही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। माध्यम से आ गई है, देखेंगे। अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है, और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to end. क्या देश की संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे गए? क्या देश की संसद ने गोपनीयता की धज्जियां उड़ाई? क्या पैसे लेकर सदन का इस्तेमाल किसी को बदनाम करने के लिए किया गया? तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रण देखिएगा। क्या देश की संसद ने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया? जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। इन्हीं सवालों पर संसद में भयंकर संग्राम छिड़ा। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोहत्रा पर लगे आरोपों पर विचार करने के बाद सदस्यता से बर्खास्त करने की सिफारिश की। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट था। महुआ की बर्खास्तगी का फैसला जल्दबाजी में किया जा रहा है। एंड हाउ द बिट्रे द डेमोक्रेसी, हाउ द बिट्रे द डेमोक्रेटिक राइट्स, हाउ द बिट्रे इवन द सेल्फ डिफेंस ऑफ द विक्टिम्स, दे डिडंट अलाउ Mohua to take her own stand to explain her situation without taking any justice. You have done full injustice. BJP आरोप लगा रही है कि सांसद महुआ मोहत्रा ने विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ाई। स्रेप और स्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। जो चोर होता है उसकी माँ ज्यादा चिल्लाती है, चोरों को लेकर, चोरी को लेकर, तो ही है। All of us are with her and we genuinely believe that women should be treated much better. जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। जो देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। माननीय सदस्यगण, इन्हीं आरोपों और दावों के बीच संसद में आधे घंटे की चर्चा हुई, और स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से फैसला कर दिया कि महुआ मोहत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में हां कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोहत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे थे। पहला आरोप था कि 2019-23 के बीच महुआ मोहत्रा के लॉगिन से 61 बार सवाल पूछा गया, जो महुआ की तरफ से दर्शन हीरानंदानी ने पूछा था। दूसरा आरोप था कि महुआ ने संवेदनशील जानकारियों वाला संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरे शख्स को दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दी गई लिखित शिकायत के बिना पर संसद की एथिक्स कमेटी ने संज्ञान लिया, जिसमें 15 अक्टूबर 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत दी। इस शिकायत के बाद एथिक्स कमेटी की 3 बैठकें आयोजित हुई। 26 अक्टूबर 2023 को पहली बैठक हुई, जयनंद देहाद्री का बयान हुआ और पहली नजर में शिकायत वाजिब पाई गई। इसके बाद 2 नवंबर को आरोपी सांसद महुआ मोहत्रा का बयान लिया गया।
एक हफ्ते के अंदर 9 नवंबर को कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की और 10 नवंबर को स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 8 दिसंबर को जब संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश थी। You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. महुआ मोइत्रा समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि संसद सदस्यता छीनने की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है और पर्याप्त सबूतों के बिना ही की गई है, लेकिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में सबूतों का भी जिक्र है। संसद की एथिक्स कमेटी की 104 पन्नों की रिपोर्ट में सबूतों के बारे में जिक्र किया गया है कि सुनवाई के दौरान जय अनंत देहाद्री का बयान और सबूत को संज्ञान में लिया गया है, दर्शन हीरा नंदानी का बयान और तथ्य संज्ञान में लिए गए हैं, आईटी कमेटी मेंबर रहे सांसद निशिकांत दुबे का बयान और सबूत को संज्ञान में लिया गया है और महुआ मोइत्रा के लॉगिन का आईपी एड्रेस और सवालों की फहरिस्त को भी सबूत माना गया है। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की सफाई के लिए उन्हें तलब किया था। 2 नवंबर को हुई उस बैठक में महुआ मोइत्रा नाराज होकर बाहर निकल पड़ी थी और कमेटी के सदस्यों पर औचित्यहीन सवाल पूछने का आरोप लगाया था। हालांकि रिपोर्ट में महुआ की ओर से सफाई में कहा गया कि हमारे खिलाफ इतनी देर से आरोप क्यों लगाया गया। महुआ ने यह भी कहा कि दर्शन हीरा नंदानी ने नकद लेन देन का ना तो कोई आरोप लगाया है ना ही सबूत दिए। महुआ ने कहा कि मेरे ऊपर यात्रा खर्च के जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत नहीं है। जयनत देहाद्री पूर्व साथी थे और ब्रेकअप के बाद उन्होंने दुर्भावना से आरोप लगाए हैं। हालांकि महुआ ने माना कि बतौर सांसद संसद से मिले लॉगिन का पासवर्ड उन्होंने हीरा नंदानी को दिया था। इन्हीं बयानों, सबूतों और गवाहों के आधार पर संसद ने एक और सांसद को असंसदीय आचरण और कैश फॉर क्वेरी जैसे संगीन आरोपों में संसद से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि भले इस बार संसद में नोटों की गड्डियां नजर नहीं आई है, लेकिन पैसे लेकर सवाल पूछने के असंसदीय आचरण में 18 साल बाद फिर एक सांसद को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अनैतिक अशोभनीय आचरण बताते हुए महुआ मोइत्रा की सांसद यहां पर चली गई है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने बातचीत की है महुआ मोइत्रा से निष्कासन के बाद। बड़ी खबर आपको दे दें, महुआ मोइत्रा से ममता बनर्जी ने बातचीत की है, ये कहते हुए कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, दोनों की फोन पर बातचीत की है। इसके पहले ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि स्पीकर का फैसला जल्दबाजी में था, ये संविधान को धोखा दिया गया है, बीजेपी की ओर से लोकतंत्र को मारने का प्रयास है, महुआ को पार्टी का पूरा समर्थन है, महुआ अगली लड़ाई भी जीतेगी और लोग इसका जवाब देंगे। महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हुई ममता बनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही हैं। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा से ये बातचीत हुई है, लेकिन आपको बताते चले एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था, जिसके बाद निष्कासन की कार्रवाई हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा है सुनते हैं। And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mohua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. It is irreparable and Mohua will win the case, win the battle next. না হতো কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত দেখছি না। আর তাছাড়াও তো পার্টি প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে কৃষ্ণনগর ডিস্ট্রিক্টে। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। शहजाद पुनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। तहसीन पुनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुजाता पांडे जी। आज की दो बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आप स्टूडियो में आ चुके हैं तहसीन पुनावाला जी, आपसे शुरुआत करते हुए। पहली है कि एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को दोषी माना था और निष्कासन की कार्रवाई के लिए कहा था, जिसके बाद आज उनको निष्कासित कर दिया गया थोड़ी देर चर्चा होने के बाद। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी है, 200 करोड़ की बरामदगी हुई है कांग्रेस पार्टी के सांसद के अलग अलग ठिकानों से,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि यह मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। जी चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दोनों अलग अलग मुद्दे, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। एक तो पहले महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर, मैं बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ जो उन्होंने किया शायद बेवकूफ़ी थी, शायद वो इवन स्टुपिडिटी थी। लेकिन स्टुपिडिटी की सजा एक डिक्टेटोरियल प्रोसेस में नहीं हो सकती। आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो पूरे हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक तरह से जो है उसको बाजू में रखा गया। ये वो महान मुल्क है जहां पे कसाब जैसे एक आतंकवादी को भी एक फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया गया। मैं पूरी प्रक्रिया समझाता हूं। अदालत में और संसद में फर्क होता है जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आज पार्लियामेंट की भूमि एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी की तरह थी जो या तो इंसाफ देता या तो महुआ मोइत्रा को सजा देता। इसके पहले एथिक्स कमिटी में महुआ मोइत्रा दोनों जो एफिडेविट्स आए थे उनके खिलाफ, उन पर क्रॉस एग्जामिन करना चाहती थी, उनको वो इजाजत नहीं मिली। दो अलग अलग एफिडेविट है, एक जय का जिन्होंने कहा उन्होंने पैसा लिया उसके बदले में। एथिक्स कमिटी ने उनको बुलाया था, वहां पर वो आरोप लगाती है, उसके बाद वो निकल जाती है। तो जहां पर आपको बात करने का मौका मिला था वहां तो आपने अपना पक्ष तरीके से रखा नहीं। थैंक यू। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर यह कार्रवाई हुई है और यही सिफारिश गलत है, और कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि कंप्लीटली गलत है। एथिक्स कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट से जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है ये ट्राइब्यूनल के के दर्जे और श्रेणी में आते हैं। और सबसे ऊंचा हमारे देश में पार्लियामेंट या जुडिशरी ने संविधान है, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है द राइट टू सेल्फ डिफेंस, फ्री ऑफ फेयर ट्रायल आपका बुनियादी अधिकार है जिसमें उनको क्रॉस एग्जामिन करना है। चित्रा जी मैं दो चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। जय के एफिडेविट में उन्होंने पैसा लिया, हीरानंदा साहब ने कहते उन्होंने पैसा लिया, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार नहीं। दूसरा, अगर महुआ मोइत्रा ने पैसा लिया, चित्राजी का बयान है यहाँ पर 19 अक्टूबर को उनकी ओर से बयान दिया गया, हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी दिया। करेक्ट करेक्ट, यही बुनियादी। थैंक यू, आपने कहा लॉगिन आईडी दिया, क्या उस एफिडेविट में लिखता है मैंने उनको पैसे दिया और मैंने उनके बदले में सवाल पूछा? नहीं, वो जय कहते, हीरानंदानी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर हीरानंदानी ने ये कहा कि मैंने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए सवाल पूछने के लिए, तो हीरानंदानी को भी अरेस्ट करना चाहिए। राष्ट्रवादी बैठे हुए ना, पूछे उनको, हीरानंदानी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए उत्तर प्रदेश में, कब उसको अरेस्ट करेंगे? दूसरा सवाल, 12 बजे आज रिपोर्ट आ गई, 2 बजे उस पर फैसला हो गया, आज भी पार्लियामेंट में उनको बोलने का उनका जो बुनियादी अधिकार दिया था वो छीना गया उनसे। पार्लियामेंट आज एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी थी, उनका ये पूरा अधिकार है। आप कह दो 18 साल पहले गलत हुआ, 14 साल पहले गलत हुआ, ये बात नहीं है। आपने इंसाफ नहीं किया, द राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल एंड डिफेंस उनका बुनियादी अधिकार है जो आज इस देश के पार्लियामेंट ने अनफॉर्चुनेटली उनसे लिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ शहजाद पूनावाला से। लेकिन सांसद अगर कोई है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और किसी को भी लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है शहजाद उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कम से कम एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात करने का मौका तो मिलेगा ना, और क्रॉस एग्जामिन लोकतंत्र के मंदिर के भीतर, और क्रॉस एग्जामिन इस पूरे मामले में क्यों नहीं की गई? शहजाद पूनावाला जी, चित्रा जी, उम्मीद है कि तहसीन पूनावाला स्टूडियो में बैठने का गलत फायदा नहीं उठाएंगे और इंटरप्ट नहीं किया जाएगा मुझे। देखिये, आज दोनों ही घटनाक्रम को मिलाए तो एक सूत्र निकलता है, शिष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, मेरा शिष्टाचार भ्रष्टाचार, मेरा जनसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊ अत्याचार अत्याचार, और फिर मैं खेलू विक्टिम हुड कार्ड, चाहे विमेन कार्ड या चाहे और कोई विक्टिम हुड कार्ड। देखे ना, दोनों ही मामले आई नीड कैश, आई नीड करप्शन, आई इंडियन नेशनल कांग्रेस और टू मच कैश तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों का कैसे गठजोड़ बनता है मैं आपको समझाता हूं। आज तो ये कैश ट्रेल की बात कर रहे हैं ना तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला इस बात पर तो जवाब ही नहीं दे रहे, 100 करोड़ तो बरामद हुए ना एक सांसद के घर पे, वहां पर तो कैश ट्रेल है ना, तो उस सांसद को निकाला आपने। और जो कैश ट्रेल मिला राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में जब कार्रवाइयां हो रही थी और वहां पर आपकी लूट की सरकार चल रही थी, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के मामले, रेड डायरी का मामला, जल जीवन घोटाले का मामला, जिस प्रकार से माइनिंग घोटाला हुआ वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने बोला, उस पर भी आपने वहां पर विक्टिम हुड कार्ड खेला। जब ये बातें छत्तीसगढ़ में निकलकर आई, गोबर घोटाला, घोटान घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, इन सभी पर कोर्ट की कार्रवाई हुई तो उस पर भी आपने बचाव की मुद्रा में आप आए और उस पर भी आपने नहीं माना, महादेव के नाम पर भी लूटा। अब आते हैं कि आज के जो सांसद के घर पे, एक सांसद के घर पे 100 करोड़ मिलता है तो सोचे 52 सांसदों के घर में कितना होगा, और यहां पर तो कैश ट्रेल है तहसीन, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। अब आते हैं महुआ मोइत्रा के मिशू पर।
चित्रा जी, महुआ मोइत्रा का जो विषय है, क्या ये पहली बार, मेरे पूरे जवाब उदाहरण दीजिए, ये क्या पहली बार एथिक्स कमिटी इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? 2005 में, मेरी बात हो जाने दीजिए, 2005 में आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद, 12 दिसंबर को स्टिंग ऑपरेशन होता है, शाम को 6 बजे तुरंत कमिटी बनती है और 23 दिसंबर आते आते रिपोर्ट बन जाती है, 23 दिसंबर को सबमिट होती है और 23 दिसंबर को ही अडॉप्ट होने के बाद 200 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, सांसद को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यह तर्क दिया जाता है कि उनको कमिटी में बोलने का पूरा मौका मिला, जो इस केस में भी हुआ। मुद्गल जी के भी केस में अगर आप देख लो 1951 में तो यही प्रक्रिया अपनाई गई। मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की, तहसीन पुनावाला यह बता दो कि कौन से रूल के तहत एथिक्स कमिटी की प्रोसीडिंग हुई है? और टू, मैं आपको बता देता हूं, आपको जानकारी नहीं होगी, रूल 233 जो रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस है इन लोकसभा, प्लीज डोंट इंटरप्ट, तहसीन डोंट इंटरप्ट, चित्रा जी मैंने आपको बोला था, यदि ये इंटरप्ट करेंगे आराम से, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं शहजादी, आराम से, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तभी बोलेंगे। चित्रा जी इनको बोलिए, इनको बोलिए, इनको बोलिए कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या किसी भी एथिक्स कमिटी की प्रोसीडिंग में, मेरे पास एथिक्स कमिटी का वो रूल है 233, उस रूल में कहा लिखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार मिलेगा या करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? दूसरी बात, वहां पर जो भी प्रोसीडिंग चलती है उस प्रोसीडिंग को तय करने का काम कमिटी का ही होता है कि कैसे उस प्रोसीडिंग को करना है। उन्होंने अपने विवेक से एक निर्णय लिया, उसको कमिटी की रिपोर्ट दी। मैं तो पूछना चाहता हूं आज तहसीन से, उन्होंने स्वयं स्वीकारा महुआ मोइत्रा ने कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड आईडी दिया था, ये आईटी एक्ट सेक्शन 43 का उल्लंघन, ये एनआईसी के रूल्स का उल्लंघन, फिर उन्होंने स्वयं माना कि उनको बॉबी ब्राउन और शायद एक और जो तहसीन पुनावाला ब्रांड पहनते हैं हमीस जो भी है उसका स्कार्फ मिला, ये इन इट सेल्फ क्विड प्रो को है। जहां तक कैश लेन देन की बात है, कमिटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा गया है कि इस विषय पर और जानकारी लेने का काम सीबीआई का है, ठीक है, ये कोई कमिटी का काम ये नहीं है कि कैश ट्रेल ढूंढती रहे। मैं अब इस कमिटी का काम ये है कि प्राइमा फेसाय एथिकल वायलेशन हुआ है, प्राइमा फेसाय सुन लीजिए, प्राइमा फेसाय न केवल पार्लियामेंट की एथिक्स ब्रीच हुई है, न केवल एनआईसी और आईटी रूल्स वायलेट हुए हैं, पर ये सीधे सीधे प्राइमा फेसाय एक भ्रष्टाचार का मामला दिखता है। निर्णय लिया गया, अब बाकी का काम सीबीआई करेगा। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाओ, वो 2005 का उदाहरण भी दे रहे हैं, कैसा नहीं है पहली बार हुआ है, और अगर कोई गलत काम करेगा तो सदन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आज भी महुआ मोइत्रा ये साबित नहीं कर पाए कि उसने गलत काम किया कि नहीं, मैं उस पे आता हूं। पहले तो उन्होंने 2005 का उदाहरण दिया, 2005 में कैमरा पे पकड़े गए थे, चंदा लाओ पैसा लाओ, वो पकड़े गए थे। महुआ मोइत्रा आज भी कह रही है मैंने पैसे नहीं लिए, हीरा नंदानी साहब भी नहीं कह रहे, चलो मान लेते महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए और उस सवाल पूछने के बदले में लिए, मान लेते चित्रा जी, लेट्स एक्सेप्ट इट, तो हीरा नंदानी को क्यों अरेस्ट नहीं किया इन्होंने? अगर रिश्वत लेना जुर्म है तो रिश्वत देना भी जुर्म है, वहां क्यों नहीं करे? हीरा नंदानी को सारे कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश में देकर बैठे, पहली बात। दूसरी बात, एथिक्स कमेटी का काम है सिर्फ ये कहना कि पनिशमेंट देना या नहीं, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देने का उनका काम है। तीसरी बात फिर मैं कैश ट्रेड पे आता हूं, ये आज पार्लियामेंट के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को विप दिया गया था, क्यों? विप से, ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, तो आप जज को बोलेंगे क्या कहना क्या नहीं करना? लास्ट बात, इन्होंने कैश की बात की, जज की बात ही नहीं है ना, यहां तो संसद की बात है, नहीं, बट बार बार लोकसभा स्पीकर भी यही समझा रहे थे, गलत थे, उनके सामने में सर झुकाता हूं, उनके सामने में सर झुकाता हूं, लेकिन वकालत नहीं चलेगी यहां पर, मैं माननीय ओम बिरला सर के सामने, मैं माननीय ओम बिरला सर के सामने सर झुकाता हूं, लेकिन बिल्कुल गलत है। आज पार्लियामेंट की भूमि एक क्वाजाई जुडिशियल कैपेसिटी में थी और वो स्वयं जज नहीं थे, सारे पार्लियामेंटेरियंस एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी का हिस्सा थे, लेकिन सबसे ऊपर होता है देश का संविधान, जिसमें आर्टिकल 14 वो हर रूल के ऊपर होता है। बीजेपी आरोप लगा रही है 51 में से 50 सवाल हीरा नंदानी से जुड़े हुए ही थे, अब मैं सदन के भीतर ये बयान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, तो हीरा नंदानी को पकड़ो, दुबई से खींच कर लाओ और उसको डालो जेल के अंदर, क्यों नहीं डाले? अब एक लास्ट लाइन मैं जहां से आपको 100-100 करोड़ रुपए निकलते, जब बीजेपी के आपके एक मिनट में समाप्त कर दूंगा, उसके बीच में आपके बीच में नहीं बोलो, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। बीजेपी के विधायक के घर से 8 करोड़ कैश निकला, उसको मोदी जी ने पार्टी से निकाला। अरे आपके अभी कर्नाटका में 42 करोड़ रुपीस कैश निकला बीजेपी के लोगों के घर से, उनको आपने अरेस्ट किया। नरेंद्र सिंह जी तोमर के बेटे वीडियो कॉल पे बात कर रहे, 100 करोड़ रुपए का इस अकाउंट में जाना चाहिए उस अकाउंट पे, नरेंद्र सिंह जी तोमर पे आपने कुछ कार्रवाई की, आप कार्रवाई कीजिए, ठीक है, बोलिए शहजाद पुनावाला जी, उसके बाद में बाकी मैं बात करूंगी। चित्रा जी पहले तो
अब एक एक करके जवाब देता हूं। उन्होंने बोला कि आज तक का स्टिंग ऑपरेशन कैमरा पे आया, इसलिए उन पर कार्रवाई तुरंत करना जायज था। मान्यवर, वहां पर तो उन्होंने डिनाई किया था उन्होंने कुछ ऐसा किया था। यहां पर स्वयं सांसद साहिबा ने कहा कि हाँ, मैंने अपना लॉग इन पासवर्ड दिया जो 47 टाइम्स विदेश से ऑपरेट हुआ, और उन्होंने माना कि ब्रॉबी ब्राउन और वो हर्मीज का स्कार्फ लिया। राजदीप का इंटरव्यू देख लीजिए, ये इन इट सेल्फ एक्सेप्टेंस है ऑफ योर क्राइम। कैश आया हो ना आया हो ये तो सेकेंडरी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हीरा नंदानी को अरेस्ट नहीं किए, ये तहसीन पुनावाला जैसे लोगों को आप बुलाते हैं, इनकी बुद्धि तो टेस्ट कीजिए। एथिक्स कमेटी अरेस्ट करने का काम कर रही है क्या? पर्सनल मत। आज मोवा मोइत्रा अरेस्ट हुई है क्या? एक सेकंड, चित्रा जी बीच में नहीं बोलेंगे, चित्रा जी बीच में नहीं बोलेंगे। चित्रा जी आप सुनिश्चित कीजिए, एक सेकंड, दोनों लोगों की ऑडियो को डाउन किया जाए। चित्रा जी मेरा समय, शहजाद और तहसीन दोनों लोगों से गुजारिश है, एक मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। बिल्कुल कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम टिप्पणी करेंगे जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आए हैं। प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज किसी पर भी पर्सनल टिप्पणी नहीं, किसी पर भी। शहजाद जी प्लीज, आपसे गुजारिश है, आप अपनी बात रखिए, बाकी तीन लोग भी इंतजार कर रहे हैं। शहजाद पुनावाला जी करने दीजिए अपनी बात, बोलिए बोलिए। चित्रा जी क्या आज मोवा मोइत्रा अरेस्ट हुई है क्या? उसके ऊपर तो सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है। सीबीआई को लगेगा कि और कोई भी इसमें शामिल है तो उसको भी वो गिरफ्तार करेगी या जो कार्रवाई करनी है करेगी। पर जब मोवा मोइत्रा अगर गिरफ्तार होगी तो उसके ऊपर फिर मातम मत मनाना, क्योंकि अभी आपने कहा कि इसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको गिरफ्तार नहीं किया। पर एथिक्स कमेटी का रोल आज बहुत लिमिटेड था। क्या पार्लियामेंट की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट की संसदीय नियम, क्या उसकी विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है? सवाल का जवाब 2005 के प्रेसिडेंट को लेते हुए, 1951 के प्रेसिडेंट को लेते हुए जवाब है हां। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इनको व्हिप की बात कर रहे, तहसीन पुनावाला, क्या विप जो है, विप में आप विप की कॉपी बताइए चित्रा जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, हमारे सांसदों को 3 लाइन विप आज पूरे दिन के बिजनेस के लिए इशू की गई थी। क्या कहा गया था कि इस विषय पर विप है? और पूरे पार्लियामेंट के आज के प्रोसीडिंग में बहुत सारे विषय आए, कई सारे बिल आए, तो उस पर तो विप जारी करना हमारा अधिकार है। कांग्रेस ने भी किया। इसका मतलब यह नहीं होता है कि विप जो है वो इस प्रोसीडिंग पे लागू हुआ। और आखिरी बात चित्रा जी, आखिरी बात, तहसीन पुनावाला सिर्फ इतना बताए कि आज जब 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, वो अपनी पार्टी के इस नेता पर सोनिया गांधी के क्या विचार है, क्या विचार उसको, क्या भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं मानती है, या ईमानदारी का अभी भी ये लोग ढिंडोरा पीटेंगे? ये इधर उधर की बातें करते हैं। भाई साहब, हमने तो उस व्यक्ति को निकाला पार्टी से, उसको हमने कार्रवाई की उस पर, उसको विधायक का टिकट नहीं दिया, आप सांसदी से निकालिए उसको। आप दोनों के चक्कर में आप निकालिए उसको सांसदी से। सोनिया जी के वही विचार है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार, नरेंद्र सिंह तोमर जी के और उनके बेटे के बारे में। ठीक है, आपको वीडियो दिखा दीजिए, दिखाइए वीडियो। एक सेकंड, अखिलेश यादव जी की ओर से ट्वीट किया गया है, मैं आपके पास आ रही हूं। चित्रा जी, एक सेकंड, चित्रा जी, बाकी तीन लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का। प्लीज, बाकी तीन लोग बैठे तो नहीं रहेंगे ना, वो यहाँ पर शोपीस। प्लीज शहजाद जी, चित्रा जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बोलिए चित्रा जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। बोलिए चित्रा जी, माफी चाहता हूँ। चित्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में बार बार जो कहा गया, क्या उस वीडियो को अभी तक कांग्रेस ने सीएफएसएल के पास दिया है? अगर वो वीडियो एआई और डीप फेक नहीं है तो क्या उसको उन्होंने सीएफएसएल को हैंडओवर किया है? आदरणीय नरेंद्र तोमर जी की इस प्रकार से आज तक पर यदि बार बार इस प्रकार से सीएफएसएल को क्यों नहीं दिया? अनुराग भदौरिया जी, आप दो खबरें हैं। एक तरफ तो महुआ मोइत्रा को लेकर अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने समर्थन किया है उनका, वहीं दूसरी तरफ ये जो कैश की बरामदगी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मोदी की गारंटी है, दोनों पर टिप्पणी आपकी। देखिए, दोनों का मैं जवाब दे रहा हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश बिदुड़ी, इसी पार्लियामेंट में पूरे राष्ट्र का अपमान करते हुए पाए गए, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला, संसद का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया। क्या उनको पार्लियामेंट से निकाला? क्या उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया उनके खिलाफ? नहीं किया ना, कोशिश। उनको भी तो अपने पार्टी से निकालते, फिर लाते उनको पार्लियामेंट के, उनसे उनकी सदस्यता भी खत्म करते, तो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, कैसे कर सकते हैं? वो बेशक उसको राइट है क्या कि हमारे देश के संविधान का, संसद का और राष्ट्र का अपमान करता रहेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? दूसरी बात, एक पीयूष जैन थे, कानपुर में रेड पड़ी थी, एक
कितना 195 पता 200 करोड़ 250 करोड़ पता नहीं कितने लाख सोना 2021 में पड़ा था, कहां है भाई उसकी खबर आजकल, कहां है वो? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? न्यू तो ये हम लोगों ने कहा था बीजेपी का ये पैसा हो सकता है तभी इसमें, कहां है भाई? अब वो गायब कहां है? कहां है वो खबर? क्या हुआ उनके साथ? क्या वो जेल में है, बाहर है? क्या कार्रवाई हुई बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी इनके 8 करोड़ एक सांसद थे जिनके घर पाया गया था, क्या की कार्रवाई? निकाल दिया उनको इन्होंने? नहीं निकाला। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी को किसी के जो विपक्ष के नेता है उनको टारगेट करने का काम है, उनको ये टारगेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाना, ये चाहते हैं विपक्ष के नेताओं से कुछ भी मिला उसको हाईलाइट करना। लेकिन रमेश बिदुड़ी को भूल जाएंगे, संसद के अंदर में ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ तो चलो आपको खोजना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार वाला मामला है, सामान लेकर सवाल पूछने वाला मामला है, संसद के भीतर 61 में से 50 सवाल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, कमाल की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होके देश के विशेष धर्म को गाली दे रहा है आदमी, गलत है वो, गलत है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, गलत है। लेकिन अभी अनुराग भदौरिया जी, मौला मोहतरा पर हम लोग टॉक का, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, जब उनको टॉक का प्रभारी बनाया गया तो हम लोगों ने बातचीत की थी उनके ऊपर अनुराग भदौरिया जी। अब आप बोलने लगे, अरे इस पर भी थोड़ी लगे, आप बचाव में आ गए उनके, आप बचाओ में आ गए ना। अनुराग भदौरिया जी, रोज रोज का रोना बंद कर दीजिए, आपसे पलट कर कोई सवाल पूछ ले इसका मतलब ये नहीं होता है, तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं, जवाब दीजिए नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे तो ये रोज रोज का रोना छोड़ दीजिए अनुराग भदौरिया जी, और पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं मिस्टर अनुराग भदौरिया, पर्सनल टिप्पणी नहीं। सुजाता पांडे जी मेरा मैंने बोलना शुरू किया, आपने बोलना शुरू किया, अभी मेरा मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपका सवाल आने लग गया। आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे मैं नहीं बोलने दूंगी, मैंने शहजाद जी को भी नहीं बोलने दिया, मैंने तहसीन जी को भी नहीं बोलने दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए दंगल में कोई जगह नहीं है। सुजाता पांडे जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, वो कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को चुन चुन कर निशाने पर ले रही है सरकार। देखिए चित्रा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब दो दो मामलों की बात हो रही है, एक जो कैश मिला है पूरा अलमारी से भरी हुई तिजोरी से कैश निकलते जा रहे हैं, वो जो आपको शायद ममता बनर्जी का पार्थ चैटर्जी का की याद दिलाता होगा, उस कांड की याद दिलाता होगा। दूसरी बात हो रही है महुआ मोहित्रा की, तो पहली बात जो महुआ मोहित्रा की करूंगी, क्योंकि एक महिला होने का इसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो पहली बात तो ये कि महिलाओं का विषय है ही नहीं, ये विषय है एक अनैतिक अनुचित असंसदनीय कार्य का, जिसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इंटरनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया चंद गिफ्ट के मामले में। दूसरी बात जो कही जा रही कि कैश ट्रेल का पता चला नहीं है, जी हाँ बिल्कुल पता नहीं चला है कैश ट्रेल का, लेकिन यही ये दूसरी रिकमेंडेशन है ये एथिक्स कमेटी की कि कैश ट्रेल का पता लगाया जाए, क्योंकि एथिक्स कमेटी की ये सीमाओं में नहीं आता है कि वो कैश ट्रेल का पता लगाए, और वही आगे की कार्रवाई होगी, और शायद इसीलिए महुआ मोहित्रा जोरदार भाषण दे रही हैं, अलग अलग कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो बात कर रही थी कि अधिकारों की बात वो करे चित्रा जी, जो पहले अपने दायित्व को निभाए। सबसे पहले एक सांसद जो होता है पद की गोपनीयता की शपथ लेता है और उसकी गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेता है, यहाँ तो सबसे बड़ी बात वही हो गई है। ये उनके क्वेश्चन से भी दिखता है, उनके आचरण से भी दिखता है, जिस तरह के उन्होंने अपशब्दों की एक झड़ी लगाई हुई थी संसद में, वो तो मतलब जगविदित है। और 65 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अपने लोगों, जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनके लिए नहीं पूछा है, सिर्फ 4-5 सेक्टर से पूछा है, जो कि इंसिडेंटली, जो कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो उसी का इंटरेस्ट जिसमें अदानी भी है और हीरानंदानी भी है। तो ये बातें बड़ी गंभीर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसको आप इस तरह से डील नहीं करेंगे तो कल को तो पैसे देके कुछ भी हो सकता है। एक सांसद का लॉग इन आईडी दुबई से एक्सेस किया जाए, 40 से ज्यादा बार एक्सेस किया जाए, ये बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी बात जो कह रही है कि देखिए भाई, मैं ये जो कैश मिला है झारखंड के कांग्रेस के नेता के हाथ से, तो आपको पता है चित्रा जी, जर्मनी के बाद झारखंड सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों में सबसे ज्यादा अमीर राज्य हो सकता था, वहां गरीबी नहीं हो सकती थी, लेकिन 42% से ज्यादा लोग वहां बहुतायत गरीब है। वो पैसा किसका है,
वो पैसा जनता का है, गरीब का है, इनकी तिजोरी में बड़ा हुआ, तो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई पे लगाते हैं, ये अदानी का टिकट। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। तौसीफ अहमद खान जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आधे घंटे में एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। तौसीफ जी, उनकी बात तो सही है, वो कह रही है फिर हर किसी को अधिकार मिल जाएगा कि वो गिफ्ट ले, पैसे ले और उसके बाद सवाल पूछे, इससे तो संसद की मर्यादा पूरी तरह से भंग हो जाएगी। तौसीफ अहमद खान जी, अनुराग जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी और आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे तो आप ही के पास आऊंगी। तौसीफ जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। मैं आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। तौसीफ जी की बात हो जाएगी, सुन लीजिए आप। हाथ जोड़ के निवेदन है सुजाता जी के, जब बोल रही थी आपने एक बार, मैं बोलूंगा देखना आप कितना। तौसीफ जी, तौसीफ जी के बीच में मत बोलिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। सुजाता जी प्लीज, तौसीफ जी, तौसीफ अनुराग जी आप वेट कर लीजिए, मैं बोल लूँ। चित्रा जी देखिए, ये जो फैसला है महुआ मेहता के खिलाफ, ये जो एक्शन है उनको पार्लियामेंट से बाहर किया जाना, ये कंगारू कोर्ट का फैसला है। अभी जबकि इल्जाम ही सिद्ध नहीं कर पाए बीजेपी, तो ये जुर्म साबित करना तो बहुत दूर की बात है। अभी शहजाद को आपने सुना, उन्होंने बोला कि क्विड प्रो को का केस है। क्विड प्रो को का केस कैसे है? क्या हीरा नंदानी और अदानी दोनों किसी एक टेंडर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए या गिफ्ट लिए और ले करके कुछ ऐसा काम कर लिया या कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट अदानी को जाना था वो हीरा नंदानी को चला गया? ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। यहां पे टारगेटिंग हो रहा है। टारगेटिंग कैसे हो रहा है कि महुआ मोइत्रा एक अकेली ऐसी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अदानी के खिलाफ खुल करके पूरी मजबूती के साथ संसद में सवाल उठाती आई है कि अदानी कितने सारे करप्शन में इन्वॉल्व है। अब सवाल है कि भाई ये महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अदानी के खिलाफ इतनी खुलकर मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ सवाल उठा रही, उसको खामोश कैसे किया जाए? खामोश करने का ये कॉन्स्पिरेसी है। आप कहिए कि क्या एथिक्स कमिटी के पास महुआ मोइत्रा से पहले बहुत सारे केसेस पेंडिंग है या पेंडिंग नहीं है? उनके एथिक्स कमिटी के साथ बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, लेकिन पिछले किसी भी केसेस की कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। खुद बीजेपी के खिलाफ भी और नॉन बीजेपी सांसद के खिलाफ भी एथिक्स केस पेंडिंग है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं, खासतौर पर महुआ मोइत्रा पे, और वो भी बिना किसी रूल को फॉलो किए। ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया, ना हीरा नंदानी को बुलाया गया, ना ही सही तरीके कैसे सुना गया जी, सीधे आप एथिक्स कमिटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो अपने डिफेंस को क्रेस करे। आज के डेट में अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट उठा करके फेंक देगा ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो एक्शन है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उठा करके फेंक देगा, क्योंकि ये सरासर लीगली गलत है। लीगली गलत होने के बावजूद भी ताकत के बल पे, बीजेपी के आला लीडर के हुक्म पे, ये गैर कानूनी तौर पे महुआ मोइत्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको खामोश करना है, क्योंकि वो अदानी के खिलाफ आवाज उठाती है। अदानी के खिलाफ आवाज उठाने का लेकिन ये जो संघर्ष है, वो महुआ मोइत्रा ने खुद बोला कि अदालत के, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, आज वो 45 साल की है, वो अगले 30 साल तक आवाज उठाती रहेंगी हर करप्शन के खिलाफ। महुआ मोइत्रा अपना आवाज भी उठाएंगी, और पार्टी ने तो उन्हें कृष्णा नगर का प्रेसिडेंट अभी से बना दिया, ठीक है, तो वो कृष्णा नगर से फिर कॉन्टेस्ट करेंगी अगले 5 महीने बाद। महुआ मोइत्रा फिर से इलेक्ट कॉन्स्पिरेसी नाकाम हो जाए, षड्यंत्र रचा गया है। देखिए, मैंने बड़े शांति से तौसीफ की सारी बातों को सुना है, मैंने सारी बातें बड़ी शांति से सुनी है। इन्होंने कहा कैंगरू कोर्ट, याद है चित्रा जी, जब हम लोग टीएमसी में जो एसएससी स्कैम हुआ था बंगाल में, उसको डिबेट करते थे और पहाड़ मिला था, पैसों का पहाड़ मिला था पार्था के घर पे, तब भी ये वही कहते थे, और फिर पार्था को निकालना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने मुहर लगाई कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तब भी ये मानने को तैयार थे। ये कहते हैं अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, मतलब क्या ममता बनर्जी अडानी के खिलाफ नहीं है? उन्होंने तो ताजपुर पोर्ट दे दिया, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अडानी को प्रोजेक्ट दिए, तो इतना करप्ट है तो क्यों दिया आपने, और उसको छोड़ देते। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, तो प्रेनीत कौर, ये तो कांग्रेस की सांसद है ना,
कांग्रेस की सांसद ने वेंडेटा पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर लिया, तो आप अपने गठबंधन का मामला देखिए। और चौथी बात देखिए, ये केवल क्विड प्रो को का नहीं है, प्लीज मैंने बीच में नहीं बोला चित्रा जी, चित्रा जी जो अभी सुजाता बोल रही थी वो बिल्कुल सही है। इंटरनल सिक्योरिटी का मैं आपको बहुत बड़ा एक प्रमाण देना चाहता हूं, इस पोर्टल पर ड्राफ्ट बिल्स जाते हैं, अपलोड होते हैं, जिसका एक्सेस किसी और व्यक्ति को किसी भी रूप में नहीं हो सकता। एक तो बिल मैं आपको बता सकता हूं, जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन का बिल, पर और बिल्स जो थे अपलोडेड वो सुनिए, फाइनेंस बिल, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, चिटफंड बिल, टैक्सेशन लॉ बिल, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, माइंस एंड मिनरल्स बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बिल, टैक्सेशन लॉ का बिल, एनर्जी कंजर्वेशन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे बिल के ड्राफ्ट। प्लीज चित्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, भाई मेरी बात आ जाने दीजिए। हाँ हाँ, बोले, ये बोले, बीच में बोलने का क्या तरीका है भाई, आज तक पे बैठे हैं। अरे कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए, अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे बिल्स की जानकारी क्या चित्रा जी आपको है, क्या आपके चैनल को थी, क्या किसी और व्यक्ति को हो सकती है? ये सांसदों का विशेष अधिकार है, और इसीलिए मैं सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट 2000 रेड अलोंग विद द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, अलोंग विद द फैक्ट कि इसमें प्राइमा फेसाई क्विड प्रो को जिसकी जांच सीबीआई करेगी, ये सारे मिला के इस पे कार्रवाई हुई। अब मैं दूसरी बात लाना चाहता हूं, ये ईडी सीबीआई वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, जो ये झारखंड के विषय में कह रहे हैं। ये कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल पाए, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में। ये देश में अजूबा है अनुराग भाई, एक ही लाइन, ये देश में अजूबा हो रहा है वर्तमान सरकार से। ये बिल की जानकारी सीक्रेट है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन आप टीवी पे बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है ओके, अब अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। बोलिए अनुराग भाई, सॉरी। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सारी बुराइयां विपक्ष के अंदर नजर आ रही है, और अफसोस की बात है कि कुछ साथी लोग हैं जो आजकल चौथा स्तंभ बोला जाता है, उनको भी विपक्ष की बुराइयां नजर आ रही है। माने सत्ता पक्ष में कोई बुराई नहीं बची है, साफ सुथरा सत्ता पक्ष है, वो बुराई कर भी देते, हमारे महिला जो पहलवान है अत्याचार का आरोप लगा भी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो साफ सुथरे हैं। चाहे उनका सांसद पार्लियामेंट में गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरे हैं। उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, उनको लाके मंत्री बना देंगे, बोलेंगे कि इन पे हजारों करोड़ का करप्शन। चित्रा जी कहां से कहां जा रही है, हम सीरियस चर्चा कर रहे हैं एक विषय पे कि क्या कर रहे हैं। चक्की पीसी वालों को लाके आप फिर मंत्री बना देंगे, लेकिन कहेंगे कोई बात नहीं, सब साफ सुथरे। कमाल का बात हो गया देश के अंदर में भाई, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अतुल रहती है, ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, हर चीज में कमियां निकाल के विपक्ष को दबाना चाहती है। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर रही है, ये अलोकतांत्रिक तरीके से कर रही है। जिस तरह का अत्याचार चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, जिस तरह से जिस कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ पे तबाह तोड़ तरीके से एक संसद को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, इसी तरह से बाहर अगर आप देखोगे इनके इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगता है तो उसको लंबा खींचा जाता है और कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। इसके मतलब साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहती नहीं कि इस देश के अंदर विपक्ष रहे। पार्लियामेंट में जो विपक्ष होता है पार्लियामेंट की आत्मा होती है, आप पार्लियामेंट की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। विपक्ष उतना ही विपक्ष का अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का है, और आप विपक्ष के ऊपर हमलावर रहते हो, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, यह पूरे देश। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनुराग भदौरिया जी आज के पैनल में, दो हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग थे तो तीन विपक्ष के लोगों को हमने आमंत्रित किया था। देश देख रहा था कि किसने कितना बोला, लेकिन आदत से आप मजबूर हैं हर रोज उठकर मीडिया पर सवाल उठाने के लिए। खैर, आपका सम्मान करते हुए अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए इशारा किया है, और वहीं दूसरी तरफ महुआ मोहित्रा को लेकर विपक्ष अब और ज्यादा आक्रामक होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आगे की पॉलिटिक्स किस करवट बैठेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।